भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी, ये कहना है मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी के प्रिंसिपल जितेंद्र मिश्रा का। उन्होंने कहा कि कई लोगों में यह अभी भी भ्रांति है कि भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने यह बात संविधान दिवस पर नवोदय विद्यालय बाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में कही, जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया। वीडियो देखने के बाद लोग आक्रोश जता रहे हैं और प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिन्होंने, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी। बीते दिनों संविधान दिवस पर जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी के प्रिंसिपल जितेंद्र शर्मा ने गलत शिक्षा नीति के तहत ये कहा कि भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि बिहार के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, उनके हाथों द्वारा संविधान की किताब लिखी गई है। लोगों में अभी भी यह भ्रांति है कि भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, पर ऐसा नहीं है। उनके द्वारा संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी गई, यही बात उन्होंने विद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राओं को भी दोहराई। कई संगठनों ने प्रिंसिपल की इस बात पर विरोध भी जताया है। वहीं नवोदय विद्यालय बाड़ी प्रिंसिपल के पद से बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। अहिरवार समाज संघ मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षा मंत्री भारत सरकार दिल्ली को भी एक पत्र सौंपा गया है, जिसमें नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल जितेंद्र मिश्रा द्वारा बाबा साहब की छवि धूमिल करने, उनके संविधान निर्माण के योगदान की अनदेखी करना व एक कैलीग्राफ को संविधान निर्माता बताकर राज्य समाज तथा आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित करने के जुर्म में देशद्रोह के तहत मुकदमा कायम कर सेवा समाप्त कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।